2019 में मोदी सरकार की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से अब 2022 में वो मौका आया है जब कांग्रेस आलाकमान जागा। नहीं तो कांग्रेस के न जाने कितने दिग्गज इस एक बात से तितर बितर हो गए कि ना तो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और ना ही आलाकमान उनकी कोई बात सुन रहा है। इसी सब को देखते हुए तो G23 बना। हालांकि अब बस मुश्किल से 4 से 5 दिन और जब कांग्रेस को मिल जाएगा अपना नया अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी तो अभी तक सोनिया गांधी संभाल ही रही थी, लेकिन अब पार्टी बकायदा चुनाव कर रही है इस पद पर किसी को बैठाने के लिए। हालांकि कांग्रेस आलाकमान के ढोंग के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, ढोंग। पहले दिन से आलाकमान का झुकाव मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने की तरफ है। कांग्रेस के ज्यादातर नेता भी खड़गे की तरफ ही खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर कई बार बौखला भी गए, सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाए, खड़गे को भी बहस की चुनौती दे डाली और अब मांग कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई की। जी, जो अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम पद के साथ कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी संभालने को बेताब दिखाई दे रहे थे, वही अशोक गहलोत अब थरूर के निशाने पर आ गए हैं और थरूर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली है, क्योंकि गहलोत खड़गे के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। थरूर ने आरोप लगाया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई नहीं। दरअसल शुक्रवार को थरूर भोपाल में थे। भोपाल में रहते हुए उन्होंने कहा, पार्टी नेतृत्व ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी पदाधिकारी किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार न करे। ये सच है, जिस तरह का स्वागत निष्पक्षता मुझे यहाँ मिली वो किसी और राज्य में नहीं मिली। थरूर ने यह भी कहा, अगर समान अवसर की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है? गांधी परिवार और शीर्ष स्तर पर पहले ही तटस्थता की बात की जा चुकी है, तो इस चुनाव में सबको अपनी मर्जी से वोट करना चाहिए क्योंकि ये गुप्त मतदान है। लेकिन गहलोत तो देखिए कैसे खड़गे को वोट करने के लिए खुले में प्रचार कर रहे हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्टी के बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व के धनी है, जो व्यक्ति लगातार 9 चुनाव विधानसभा के, 2 चुनाव लोकसभा के जीते हों, राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं। आप सोच सकते हैं कि 50 साल से अधिक का समय जिंदगी में हो गया, इतने अनुभव प्राप्त किए, चाहे असेंबली में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा के अंदर है, तो हम लोग प्रस्ताव उनके बने हैं। प्रस्ताव भी कौन सी डिसीजन लिया कि ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात कर चुका है, वो व्यक्ति जो हिंदी और इंग्लिश में कमांड रखते हैं और जिस रूप में उन्होंने जीवन जिया है, संघर्ष में जीवन जिया है, जिससे कि कांग्रेस जन भी उनसे प्रेरणा ले सके, कांग्रेस अध्यक्ष को बनना चाहिए जो कि संगठन में, विधानसभा में, लोकसभा में लंबा अनुभव के साथ में उनका जो व्यवहार है कार्यकर्ताओं के साथ में, नेताओं के साथ में उनके संपर्क हैं, उनकी जो हैसियत है आज तमाम विपक्षी दलों से वार्ता करने की, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ में जो संघर्ष है वो तमाम विपक्षी दलों को मिलकर लड़ना है, और तमाम विपक्षी दल मिलकर जब लड़ेंगे तो एक ऐसा व्यक्तित्व कांग्रेस अध्यक्ष होगा जो कि सब पार्टियों के साथ लेने की क्षमता रखता हो। वो तमाम योग्यता देख करके मैं समझता हूँ कि हम सब ने उनका प्रस्ताव बने। हम लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी डेलीगेट हैं वो भारी बहुमत से इनको कामयाब करेंगे और कामयाब होने के बाद में ये हमने सबका मार्गदर्शन करेंगे और कांग्रेस मजबूत होकर के प्रतिपक्ष के नेतृत्व पार्टी के रूप में उभर के सामने वापस आएगी। ये मेरी सोच है और मेरी बहुत शुभकामनाएं है कि खड़गे साहब भारी बहुतों से कामयाब हो। धन्यवाद। पोस्ट किए गए अपने वीडियो के साथ राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी डेलीगेट हैं वो भारी बहुमत से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को कामयाब करेंगे। कामयाब होने के बाद में वो हम सब का मार्गदर्शन करेंगे और कांग्रेस मजबूत होकर प्रतिपक्ष के रूप में उभर कर सामने आएगी। ये मेरी सोच है, मेरी शुभकामनाएं हैं, खड़गे साहब भारी मतों से कामयाब हो। तो कुछ इस तरह से जब अशोक गहलोत ने खड़गे को वोट करने की अपील की तो इसी पर थरूर बिगड़ गए हैं और गहलोत पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पटना में थरूर के सुर थोड़े अलग दिखे। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आलाकमान पूरी तरह से खड़गे को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद भी थरूर ने पटना में कहा कि पार्टी का कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है।
क्यों? क्योंकि थरूर का मानना है कि गांधी परिवार ने उनसे खुद कहा है कि पार्टी में कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। थरूर ने कहा, मैं सोनिया गांधी से मिला, राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला और प्रियंका गांधी से भी मिला। तीनों ने मुझे अलग अलग रूप से बताया कि हम निष्पक्ष रहेंगे, आप हिम्मत से लड़िए, हमारी तरफ से कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। तो जब मेरे अध्यक्ष कह रहे हैं तो क्या मैं उन पर विश्वास ना करूं? उन्होंने कहा है कि हमारा कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। अब थरूर चाहे कह कुछ भी लें, लेकिन अपने मन के किसी कोने में जानते वो भी है कि ये चुनाव उनको जीतना ही नहीं है, बल्कि ये चुनाव तो पूरी तरह से एक पक्ष का ही है। नामांकन के दौरान ही पता चल गया था कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष पद किसको मिलने वाला है। वैसे ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर बकायदा वीडियो जारी कर अशोक गहलोत ने खड़गे को अध्यक्ष पद दिलवाने के लिए वोट करने का आग्रह किया है, उस पर आला कमान क्या एक्शन लेता है। वैसे आपका गहलोत के जारी वीडियो को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को इस तरह से सपोर्ट करने को लेकर क्या कहना है? क्या आला कमान को अब गहलोत पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? बाकी आप हमें ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव आखिर कौन जीतेगा, आखिर कौन बनेगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।